ठीक है दोस्तों, दाल मखनी बन रही है। इसको पहले भिगा के रखना है 1 नाइट 8 आवर मिनिमम। जब आप इसमें पानी में इसको डीप करोगे तो इसमें विनीगर भी यूज़ करना ज़रूरी होता है। विनीगर के साथ इसको भिगा के रखना है, उसके बाद इसको मिनिमम 8 to 10 टाइम इसको वॉश करना है, अच्छे से वॉश करो। देखिए अभी जो पानी है ना ब्लैक हो रखा है, तो इसको तब तक वॉश करना है जब तक इसका पानी का कलर जो एकदम पानी का प्योर कलर होता है वो जब तक ना आ जाए तब तक इसको वॉश करना है। आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा मैं दाल मखनी में। दोस्तों दाल मखनी बॉयल होने के लिए जा रही है, एक स्पून उड़ा इसको। देखो पानी है, वॉश कर लिया हमने दाल मखनी अच्छे से, सॉल्ट डालो और डालो। देख मिश्रा हाँ देखी मैं डाला ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि कोई चीज़ उबल के बाहर ना निकले। इसमें जाएगा ब्लैक कार्डमम हो गया, 2-3 पीस बे लीफ हो गया, कल ये हो गया जावित्री, ठीक है ये हो गया सिनेमन स्टिक, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का फ्लेवर के लिए डालना है 2 पीस बस। ये ग्रीन कार्ड में हल्का सा स्टार आने से डालना, थोड़ा थोड़ा सा ग्लोब हो गया, ब्लैक पेपर हो गया थोड़ा, बस। अब इसको ढक्कन लगा के बॉयल करने के लिए रखेंगे, यानी 45 मिनट में ये बॉयल हो जाएगी दाल मखनी आपकी। उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। दाल मखनी मैश हो जाती है, अच्छे तरीके से बोल रहा है।
पानी थोड़ा दूर। गर्म पानी क्या होती है कलर के लिए भी इसमें अच्छा कलर आता है। ब्लैक दाल है, राजमा है, चना दाल है। बाद में जब ये दाल मखनी पकने पे आएगी तो इसमें पटेल हो गया, फिर दूध हो गया, दूध भी डाल सकते हैं, क्रीम यूज करते हैं। जब ये पिकअप देते हैं तो इसमें थोड़ा हल्का सा घी के साथ साइज दे रहा होगा, गार्लिक हो गया, हल्का सा ब्राउन मिर्च ऊपर डालने से यूज करेंगे। सॉल्ट और इन चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं उनका उसका प्रयोग करता है।